नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही अण। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं यूपी से कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर में गरजे सीएम योगी, कहा सीमा पर गरजेगी अलीगढ़ की तो भाग खड़े होंगे पाकिस्तानी सैनिक। गृह मंत्री अमित शाह पर अखिलेश यादव का वार, ट्वीट कर बोले हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं, सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं समय बताएं। चंद्रशेखर आजाद बोले योगी क्रूर शासक, गोरखपुर की धरती को सामवंश से मुक्त कराने आ रहा हूँ। राजधानी लखनऊ में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नागरिक सुरक्षा संगठन ने हजरतगंज चौराहे पर बजाया सायरन, 2 मिनट तक रोका गया यातायात। तौकीर रजा की बहू निदा खान भाजपा में हुई शामिल, बीजेपी में शामिल होकर बोली पीएम मोदी की सोच से हुई प्रभावित। दरगाह आला हजरत की बहू ने 3 तलाक व अन्य पीड़ा से कई महिलाओं को इंसाफ दिलाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम को आगे बढ़ा रही है। बरेली से आई श्रीमती निदा खान का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। अपना दल ने फतेहपुर के बिंदकी सीट से मंत्री जय कुमार सिंह जैकी को दिया टिकट। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, 24 महिलाओं को मिला टिकट। रायबरेली से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। 31 जनवरी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहर विधानसभा क्षेत्र से करेंगे नामांकन। मथुरा में रविवार को भाजपा की स्टार प्रचारक सांसद हेमा मालिनी ने गोवर्धन में गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर चुनावी अभियान की शुरुआत की। ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।